क्रिकेट खिलाड़ियों को लेकर हमारे जहन में कई सवाल रहते हैं, उनकी जिंदगी को लेकर, उनकी फीस को लेकर। कई दफे खिलाड़ियों की जिंदगी से जुड़े कई बातें हम जान जाते हैं, लेकिन एक खास चीज जो हम नहीं जान पाते हैं वो है क्रिकेटर्स की सैलरी। जी हाँ, कई लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि आखिर इस क्रिकेटर की फीस कितनी होगी और उस क्रिकेटर की, क्या हर क्रिकेटर्स की फीस एक सी होगी। तो इन तमाम सवालों का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल जो खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं उनसे BCCI कॉन्ट्रैक्ट करता है। इन खिलाड़ियों को 3 श्रेणी A, B और C में बांटा जाता है और इनके हिसाब से ही उन्हें सालाना तनख्वाह दी जाती है। इस साल मार्च में BCCI ने खिलाड़ियों की सालाना तनख्वाह पिछले साल के मुकाबले दोगुनी की थी। वहीं खिलाड़ियों की मैच फीस 1 अक्टूबर 2016 से लागू हुई थी। कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उनके ग्रेड बदलते रहते हैं। अब इस बात को थोड़ी गहराई से समझते हैं, जानते हैं कौन है ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी के खिलाड़ी और उनकी तनख्वाह क्या है। जो खिलाड़ी ग्रुप ए में शामिल किए जाते हैं उन्हें सालाना 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। फिलहाल इस श्रेणी में विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रविचंद्रन अश्विन, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा और मुरली विजय हैं। इन खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं एक वनडे और T20 मैच खेलने के लिए इन खिलाड़ियों को 6 और 3 लाख रुपए मिलते हैं। बात अगर ग्रुप बी की करें तो फिलहाल इस ग्रुप में रोहित शर्मा, KL राहुल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, रिद्धिमान साहा, जसप्रीत बुमराह और युवराज सिंह हैं। इन खिलाड़ियों से BCCI का सालाना 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन खिलाड़ियों को भी एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि एक वनडे और एक T20 के लिए इन्हें 6 लाख और 3 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन सालाना इनकी इनकम ग्रेड ए खिलाड़ियों से 1 करोड़ रुपए कम होती है। अब अगर बात करें ग्रेड सी की तो आपको बता दें कि फिलहाल इस कैटेगरी में शिखर धवन, अंबाती रायडू, अमित मिश्रा, मनीष पांडे, अक्षर पटेल, करुण नायर, हार्दिक पंड्या, आशीष नेहरा, केदार जाधव, पार्थिव पटेल, जयंत यादव, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। इन खिलाड़ियों का भी प्रति मैच फीस ग्रेड ए और ग्रेड बी के खिलाड़ियों के जितना ही होता है। लेकिन अगर बात करें इनके सालाना कॉन्ट्रैक्ट की तो आपको बता दें BCCI से इनका सालाना कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख रुपए का होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर किस खिलाड़ी को कितने पैसे मिलते हैं। वन इंडिया हिंदी YouTube चैनल पर फिलहाल इतना ही। देश दुनिया राजनीति की कुछ खास खबरों के साथ हम जल्द लौटेंगे आपके पास। आप बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी YouTube चैनल।